में नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। बहुत साल पहले बहुत लोगों ने मुझे भी कहा था, तब मैं घर आता था, मैं सोचता था, मैंने कहा सालों की ऐसी कैसी बाद में देखेंगे। नहीं बाद में नहीं, जब हम पहुंच जाएंगे ना उनको, हम तो वैसे दिख ही जाएंगे। तो बड़े मजबूर लोग आज ही फोन करते हैं तो मैं कहूंगा राम राम बाबू जी, अच्छे दिख रहे हो, चांद पे अच्छे लग रहे हो। नहीं नहीं कह रहा भाई साहब आप चांद पे हो, मैं कहूंगा वेरी गुड, रोशनी देते। सो जब कोई कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, एवरीबडी सेज की यार आपसे नहीं हुआ आपसे नहीं हुआ, उसको बोला है तेरी ऐसी की तैसी, टाइम आएगा तू देख। ठीक है, ये जज्बा लेके आप इस फेस्ट से जाओ। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई वुड लाइक टू हैव अ पिक्चर विद एवरीवन। नंबर भी ठीक ठाक याद आता बीन रिफ्लेक्टेड, मैं अच्छी बात नहीं, लाइफ में मुझको नहीं लगता है कि जो अकेडमिक आपकी स्टडी है वो इतना कंट्रीब्यूट करती है जितना कि क्लासरूम या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू आप सीखते हैं। देखो मैं सबको बोलता हूँ, सर ने अपना पक्ष रखा है, मुझे लगता है कि जो लाइफ आपको अब दे रही है, मतलब जो अभी दे रही है, अगर आपको लाइफ तक अच्छा अकेडमिक दे रही है तो मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट यार, वो लाइफ के मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे। अगर मुझे सर एज टीचर मिले हैं और सीताराम सर अशोक दोनों ने सर मुझे मैथ्स पढ़ा है एंड आई नेवर चोज माई टीचर्स, इट वॉज माई यूनिवर्सिटी जिन्होंने हर कोर्सेज के लिए कभी सीताराम सर को क्लासरूम में भेजा एंड आई टेल यू वन वेरी गुड फीलिंग। Sometimes ना we used to wish कि अच्छा जब नया ट्राइमेस्टर का शेड्यूल आएगा ना तो कौन आपको पढ़ाने आएगा, एंड sometimes for the very first lecture when our teachers used to come in, used to be clapping in the class। आपको सर हुआ है कभी ऐसा? पता नहीं, हमने तो किया एक बार बड़ी बार कि मैक्सिमम टाइम तो क्लैपिंग होती थी, बट when we started with discrete structure, so at a class of 120 students, so that was because you know discrete structure is a theoretical mathematics, and obviously whenever we have to teach that subject, it is always when you say write, go on writing the definitions, definitions. बच्चे क्या करते हैं, boring feel करते हैं। नहीं नहीं हम तो खाना खाने का time निकालते हैं, bench के नीचे हमने खाने रखे होते हैं, जैसे ही पलटते थे हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम परौंठियां खाते थे। तो सुबह 4-5 लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी खाना बांट के लाना, क्योंकि पढ़ाई अगर जब वो बोरिंग लेक्चर में हम पढ़ते थे ना तो हमें ब्रेन को फ्यूल चाहिए होता था कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, तो हम खाना खा के बनाए रखते थे। मुझे लगता है सॉरी मैंने अपना पर्स रखा, पकड़ा भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है। देखो पकड़े भी गए तो क्या करते थे, कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर जो है ना पकड़ता नहीं, वो इग्नोर करता है। ऐसा नहीं कि टीचर देखता नहीं है, टीचर इग्नोर कर देता है, उनको बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही। मैं आज आपको बताता हूँ कि जो हम कर रहे होते हैं क्लास में, हमारे टीचर को सब पता होता है, एक एक स्टूडेंट क्या कर रहा होता है उनको पता होता है, दे चूज टू इग्नोर एंड इग्नोर फॉर बेनिफिट, राइट सर? या ऑब्वियसली या इन इंडिया इट्स लाइक कि यस क्लास टीचिंग शुड बी प्रॉपर, but if you go abroad then what is going on there, if you want to listen then you can study, okay, if you don't want to listen you can sit or you can move outside, teacher go on teaching, but here we try to go for a kind of teaching ki student should focus, because maximum students are from say middle class families and you know they have paid a huge amount of tuition fee, so it's our duty, we think ki they should study and obviously if they are feeling little bit hunger in between them they can have a मतलब इस चीज का ऐसा नहीं क्लासरूम को मैच बना दिया जाए, obviously student से if they are taking their food then it's not कि वो फूड सामने खा रहे हैं, बिल्कुल खा लेते हैं सबने खाए। आप भूख तो सबको लगती, भूख सबको लगती, अब हमारा काम के चक्कर में खाना पीना छूट गया, बस ये जितना खाना था तब खा लिया 4-5 साल में, उसके बाद से जिंदगी ऐसा रगड़ा देती है ऊपर से उठा के। पहले ना यहाँ बाइक रोड कुछ भी नहीं होता था, ये अब ये सारा बन गया हुआ। सो ये वो लैब होती थी फिजिक्स जहाँ पे तपस सर पढ़ाते थे, मतलब पता नहीं पढ़ाते भी होंगे बट प्यार से उन्हें बच्चे बहुत कुछ अच्छे अच्छे नामों से बुलाते थे, जैसे कि मिस्टर बीन जो मैंने बोला नहीं उनके सामने। तो
तो रॉबर्ट एटकिंसन को टफ कॉम्पिटिशन था उनके टाइम पे, बस हम एक आधा लेक्चर लगाने आते थे और एग्जाम के दिनों में ही आते थे बस, तो पता नहीं ज्यादा लैब नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में लैपटॉप्स होते थे तो हम ज्यादातर लैपटॉप्स पे करते, लैब बड़े कम चीजें को ऐसे आना होता होगा। एंड गाइस गर्ल्स हॉस्टल, सो यहाँ पे सब ऊपर खड़े होके ना लड़के है ना, यहाँ पे ऊपर खड़े होके वहाँ देखते थे, ठीक है, तो हालांकि दिखता कुछ नहीं, लेकिन इंटरनेट की बैंडविड्थ बहुत कम थी, तो दोस्त जो समझते हैं तो ठीक है, जैसे मतलब ठीक है, लोग वहाँ पे होंगे तो हमें पता होता था कि हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो बैंडविड्थ बहुत ड्रॉप हो रही है। अब ये गौर फरमाने वाली बात है कि इतना डेटा कंज्यूम हो कहाँ रहा था।